अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लज्जत जहाँ किचन। आज हम बना रहे हैं वाइट ब्रेड। इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, 400 ग्राम मैदा, 250 ml नीम गर्म पानी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 30 ग्राम बटर, 1.5 टीस्पून आइसिंग शुगर, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 50 ml पानी और 8x4.5 का मोल्ड। सबसे पहले हम 50 ml पानी में 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट और 1.5 टीस्पून शुगर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि यीस्ट जो है वो अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए। देखें, यीस्ट पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके लिए हमेशा नीम गर्म पानी यूज़ कीजिएगा, कभी ठंडे पानी में मत बनाइएगा। देखें जी, जब तक हमारी यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हम डो बनाने की तैयारी करते हैं। अभी 2 मिनट हो गए, हमने 5 मिनट तक इसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले हम एक बोल में 250 ml नीम गर्म पानी डालेंगे और ये मैदा जो है ये हाफ मैदा इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ ही ये 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर यीस्ट डालेंगे। आप देख रहे हैं यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, किस तरह फूल गई है। अगर आपकी यीस्ट इस तरह फूलती नहीं है तो आप समझ में, इसका मतलब है कि या तो वो बहुत पुरानी है और या फिर एक्सपायर हो चुकी है। इसलिए हमेशा अच्छी तरह चेक करके यीस्ट को यूज़ करें। अब हम इसमें यीस्ट डाल रहे हैं। और इसे दोबारा भी मिक्स करेंगे। एक मिनट तक यीस्ट के साथ हमने इसे मिक्स किया है। अब हम बाकी का मैदा डाल रहे हैं इसमें। और इसे मिक्स करके गूंदेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसे गूंदेंगे। अब हम इसमें बाकी का बटर भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। देखें जी, आटा बहुत अच्छी तरह गूंद चुका है। अब हम इसकी हाथ से नीडिंग करेंगे। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे ड्राई। देखिए जी, हमें इसे इस तरह नीडिंग करनी है इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक।
अब हमें एक साबुन लेंगे, उसे थोड़ा सा उस पर ऑयल लगाएंगे। बोल ग्रीस हो गया है, अब हमने डो को इसमें इस तरह रखना है। पहले हम इस तरह उल्टा रखेंगे और उसके बाद वापस सीधा करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसके ऊपर भी ग्रीसिंग हो जाए। इसके बाद हम इसे इस तरह प्लास्टिक से एयर टाइट कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसे एक वार्म प्लेस पे रख देंगे और उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक कि ये इसका साइज़ डबल ना हो जाए। देखें जी, डो हमारा जो है तैयार हो गया है। इसे हमने 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे रख दिया था। अब हम इसे निकालते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा आटा डालेंगे। उसके बाद इसको निकाल के मज़ीद 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह इसकी नीडिंग करनी है। ये अच्छी तरह नीड हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। देखिए इस तरह हथेली के साथ हमने इसे ऐसे फैलाना है। उसके बाद इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे, और इसे फिर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब हम मोल्ड लेंगे, मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसको एक ब्रश की मदद से चारों तरफ फैला दें। देखें जी, मोल्ड अच्छी तरह ग्रीसिंग हो गई है मोल्ड की। अब हमने इसको ऐसे उठाना है और इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। अच्छा, इसे हमने किनारों से हटाना है ऐसे, ताकि ये आराम से डबल हो जाए, इसे फैलने के लिए जगह मिल जाए। उसके बाद हमने इसे दोबारा से ये क्लिन फिल्म लगा के कवर्ड करके तकरीबन इसको डबल होने तक रख देना है। अब हम इसे वार्म प्लेस पे रख देंगे जब तक कि ये डबल नहीं हो जाता। ब्रेड के डो को हमने मोल्ड में रखने के बाद तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। इसे आराम से हम अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद ओवन को हमने 250 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। अब हम इसे 180 डिग्री पे लाएंगे और यहाँ से हम 50 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ना 50 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका है।
इसको अब हम बटर से इस तरह कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको बेकिंग के लिए रखते हुए इसके ऊपर ना कोई अंडे की जर्दी या लगाई है, ना किसी किस्म का मिल्क या ऑयल लगाया था। ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है, किसी और चीज़ से नहीं आया। इसे अच्छी तरह हमने बटर लगा दिया है। अब हमने ये करना है कि इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे एक कपड़े से कवर करके इसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए हमें इसे कवर करके रखे हुए, ये ठंडी भी हो गई है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। मक्खन हमने इस पे इसलिए लगाया था क्योंकि अगर हम बटर नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जब गरम गरम के ऊपर हम बटर लगा देंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाती है और इस पे एक शाइन लेयर भी आ जाती है। अब हम इसे मोल्ड में से बाहर निकालते हैं। देखें जी, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह सिक गई है। देखें, ब्रेड हमारी रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए जी, इसी तरह हमने सारे स्लाइस काट लेने हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी परफेक्ट बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत घर में अच्छी और खस्ता बनती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि मैंने यीस्ट को एक्टिवेट किया था 5 मिनट के लिए। होता ये है हमारे यहाँ कि हम इंस्टेंट यीस्ट लेते हैं और उसे हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में ही मैदे में या जिसमें भी मिलाना हो मिला देते हैं। उससे वो बहुत ज़्यादा हमारा जो डो है वो फ्लफी नहीं होता, फूलता नहीं है सही से। तो इसलिए आप बेशक इंस्टेंट यीस्ट लें, लेकिन उसे हमेशा एक्टिवेट ज़रूर कीजिए जैसे मैंने बताया। इंशाल्लाह उससे उसके बाद आपकी हर चीज़, पिज़्ज़ा हो, ब्रेड हो, बन हो, बेहतरीन बनेंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।